Hello students, today our topic for discussion is tribal society and the challenges of colonialism. Tribal society means the tribal people and challenges of colonialism. After the arrival of British, the colonialism rule and what's are the impact of the colonialism in the tribal society. In this chapter, we discuss about the interference of the freedom of the tribal people, types and occupations of the tribal communities, British rule and tribal people, restrictions imposed by the British and revolts by the tribal. At first, we discuss the tribal society. As you know, when the British rule stabilized in India, they affect the traditional customs and practice of the tribal people. First thing is shifting cultivation. As you know that the tribals live in forest and they uses slash and burn type of cultivation. They uses the land and clean the grasses, and with the help of some tools and sowing the seeds, after that they gathered the food, and this type of cultivation is called shifting cultivation. चूंकि ट्राइबल्स जो थे वो जंगल से जंगल में रहते थे, उनका ये मानना था कि हम जो हैं वो जंगल की संतान हैं, तो वो कभी भी जंगल को हार्म नहीं पहुंचाते थे, पेड़ कभी भी नहीं काटते थे. वो क्या करते थे, पेड़ के ऊपर की जो टहनियां हैं उनको वो काटते थे. इससे सनलाइट जो है वो जमीन पे पड़ता था और वहां पे जो वेजिटेशन है उसको वो साफ करने के बाद, मिट्टी तैयार होने के बाद बीज को ऐसे ही फैला देते थे, और जो घास था, जो ग्रासेस था, वो जलने के बाद राख का काम करते थे और उस राख का इस्तेमाल करके वो खेती करते थे. और जब फसल तैयार हुआ तो वो उस जगह से फिर अपना फसल लेके चले जाते थे, और कई साल के बाद वहाँ पे फिर जो है वो नॉर्मल वेजिटेशन देखने को मिलता था. दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड झूम कल्टिवेशन. झूम का हरेक जगह पे राज्य के हिसाब से अलग अलग नाम है. कहीं पे इनको झूम बोला जाता है, ब्योर, दहिया, पौडू, पेंडा, ब्रिंजा, भैलरी, किल. तो कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे. और ट्राइबल्स का इस तरह का जो कल्टीवेशन था वो नॉर्थ ईस्ट, यू नो दैट, नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का काम होता था. शिफ्टिंग कल्टीवेशन के दौरान वो अपने जंगल में कहीं भी मूव कर सकते थे और फॉरेस्ट के प्रोडक्ट का आसानी से वो गैदर्ड करते थे, उसका यूटिलाइज करते थे. उसके बाद क्या होता है कि कुछ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन जैसे बंबू से मेकिंग फेंसेज, बास्केट, अम्ब्रेला, इस तरह का वो काम करते थे. और टोटली उनका जो डिपेंडेंस था वो नेचर पे था या फॉरेस्ट पे था. यहाँ क्वेश्चन है कि ट्राइब्स ऑफ विच रीजन इन इंडिया प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन. तो अभी हमने देखा नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया के लोग जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का काम करते थे. हंटर एंड फूड गैदर्स. एज यू नो इन न्यू थेलिक एज द पीपल्स बिकम चेंजेज एंड दे बिकम द फूड प्रोड्यूसर. बट Even in the 19th century, many tribals group still practice their country's old occupation of hunting and food gathering. And they also collect some fruit and some seeds, and they sold in nearby market, local market, and earn money for their survival. Then pastoral tribals. Mostly main tribals
हैव वर्क टू पेस्टोरल, दे फाइंड न्यू पेस्टोरल एरिया एंड दे हैडर्स एनिमल कैटल शीप गॉट एंड कैमल्स. दिस मैप ऑल्सो इंडिकेट द टाइप्स ऑफ ट्रेवल्स एंड इन विच एरिया दे लिव. वन ट्रेवल ग्रुप नेम इज गुज्जर, गुज्जर बकरवाल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रियर द गॉट एंड शीप, गॉट एंड शीप. ढेंगर्स वेयर द पोस्टोरल कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र हु हैडर्स शीप एंड बफेलो. इन राजस्थान देयर वॉज ए पेस्टोरल कम्युनिटी कॉल्ड द रायकास हु हैडर्स शीप गॉट एंड कैमल, मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द डोमेस्टिकेटेड एनिमल. पेस्टोरियलिस्ट फॉलोएड ए सीजनल माइग्रेशन अकॉर्डिंग टू द सीजन दे माइग्रेट. व्हेन द ग्रास एंड फॉलर गॉट एक्सहॉस्टेड एट वन प्लेस दे हैड टू मूव इन सर्च ऑफ न्यू प्लेसेस. आफ्टर दैट द सेटल्ड कल्टिवेशन ऑल्सो कम. द सेटल्ड कल्टिवेशन यूज बाय सम ट्राइबल ग्रुप एंड दे लिव एज ए कम्युनिटी लाइफ, नॉट कम्युनिटी लाइफ प्लेस इन ए पर्टिकुलर एरिया मेकिंग देयर होम एंड दिस कल्टिवेशन ऑफ लैंड. जनरली ए लैंड बिलोंगिंग टू द इंटायर ट्राइबल ग्रुप एज ए होल, ऑल मेंबर ऑफ द ट्राइबल्स एंड रीजन ओवर द लैंड. बट स्पिरिट ऑफ द बेसिक इक्वालिटी सम पावरफुल मेंबर ऑफ द ट्राइबल्स बिकम द चीफ ऑफ द ट्राइबल्स एंड ऑफ्टन बिकम द स्पोक पर्सन. मतलब जो एज के हिसाब से और जो थोड़ा बुद्धिमान होते थे उनको वो अपना मुखिया चुनते थे ताकि सही से काम हो सके. कुछ ट्राइबल्स के नाम में मुंडाज, संथाली, गोंड्स, ये सब जो हुआ वो ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में पाए जाते. उसके बाद है क्या कि द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट दीज सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप वे आर मच मोर सिविलाइज्ड देन द मोबाइल ग्रुप. द ब्रिटिश कंसीडर्ड देम टू बी मच मोर सेफर, मतलब ये ज्यादा सुरक्षित थे एंड स्टेबल एक जगह पे रहते थे देन द शिफ्टिंग कल्टीवेटर एंड पेस्टोरियलिस्ट ऑफ द हंटर फूड गैदर्ड. अभी जो हमने पढ़ा उसमें मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया आपको इसमें कि जनजातीय समूह जो हुए, ट्राइबल ग्रुप जो हुए, वो झूम कल्टीवेशन करते थे. किस तरह से करते थे, वो खाली जमीन पे बीज को छिड़क देते थे और जो सूखे घास हुए थे उसमें जलाने के बाद उससे पोटाश बन जाता था, कीटनाशक का वो काम करते थे. और बीज को उस समय में सोइंग नहीं किया जाता था, बस उन्हें वो जमीन पे बिखेर देते थे और जब वो फसल पक गया तो फिर वहां से वो चले जाते थे और वो जमीन जो है वो कई सालों के बाद पुनः उसी अवस्था में हो जाता था. तो दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन. इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन द लाइफ ऑफ द ट्राइबल पीपल. ओके, थैंक यू.